बंबई प्रभुवर गए फिर दर्श देने के लिए, बता दिया अर्नवास को ये है दौरा आखिरी उनके लिए। प्रभुवर गुरुप्रसाद पुना में फिर आ गए, छाया बस आल्हाद सब प्रेमी जन में वहाँ। 1 अप्रैल को देशमुख के साथ अप्रैल फूल के अवसर पर बाबा ने किया एक अनोखा कार्य फिर। कहो तुम सब लोग कैसे हो? बाबा, हम लोग बिल्कुल ठीक है। देखो, जैसा कि तुम सब जानते हो, आज 1 अप्रैल है, अप्रैल फूल दिवस। जी बाबा। आज देशमुख नागपुर से आने वाला है, मैं उसके साथ एक मजाक करूंगा और तुम सबको भी मेरा साथ देना हो। जी बाबा, हम लोग आपका पूरा साथ देंगे। तो ऐसा करेंगे, जब देशमुख आएगा मैं उसको एक उपहार दूंगा। ये उपहार मैंने खास तौर से एरज से तैयार करवाया है। बाबा, इसमें क्या है? पिंडू, मैंने इन खूबसूरत कागजों के अंदर एक पत्थर रखवाया है। अच्छा आइडिया है ना? जी बाबा, यह एक अच्छा मजाक होगा। देशमुख, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। उठो, आज मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूं। देशमुख, क्या तुम इसे खोलोगे नहीं? बाबा, अभी बहुत समय है, जब आप महिलाओं की तरफ चले जाएंगे तभी खोल लूंगा। अब क्या करूं, देशमुख के साथ ये मजाक कैसे किया जाए? ये तो मुझे देखने का एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहता। डॉक्टर, क्या तुम बाबा के उपहार का सम्मान उसको पूरी तरह से नजरअंदाज करके दे रहे हो? नहीं नहीं, मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, मगर मैं उपहार के ऊपर इतना ध्यान क्यों दूं, जबकि देने वाला स्वयं मेरे सामने है। अरे देशमुख, उपहार खोलो ना। हाँ हाँ देशमुख, जरा हम भी तो देखें कि बाबा ने तुम्हें उपहार में क्या दिया है। हाँ हाँ देशमुख, हम भी इसे देखने के लिए काफी उत्सुक है। खोलो, अरे खोलो ना। नहीं भाऊ, मैं उसे बाद में खोलूंगा, अभी मैं बाबा के पास बैठा हूँ। देशमुख, क्या तुम इसे देखना नहीं चाहते? पुकार, सच्चा यह है कि मेरे प्रियतम का मुझे याद करना ज्यादा मूल्यवान है, यह कुछ मायने नहीं रखता कि उसमें क्या है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है कि बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ खास चुनने के लिए इतनी तकलीफें उठाई है? ये किस तरह का अखड़पना है? क्या यह अपने प्रियतम को सम्मान दिखाने का सही तरीका है कि उनके उपहारों को नजरअंदाज किया जाए? ठीक है एरज, तुम कहते हो तो मैं बाबा का दिया यह उपहार खोलता हूं। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यह मेरे लिए एक पूर्ण उपहार है। पेंडू, ये देशमुख किस तरह का इंसान है? हाँ, इसे पत्थर मिला है और फिर भी यह इसे पूर्ण उपहार बता रहा है। डॉक्टर, ऐसा लगता है जैसे आपको केवल एक पत्थर मिला है। हाँ भाई, मगर जरा सोचो, अगर मुझे कुछ और दिया जाता, समय के साथ वह काम में आ जाता या खराब हो जाता या फिर मिट्टी में गिर जाता, लेकिन यह एक अमर उपहार है। बाबा ने मुझे ऐसी चीज दी है जो मैं हमेशा अपने पास रख सकता हूँ, और अब से यह मेरा सबसे ज्यादा कीमती खजाना होगा। यह पत्थर मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि मुझे बाबा के ऊपर एक चट्टान की तरह मजबूत विश्वास रखना चाहिए। बाबा, हम लोग तो देशमुख का मजाक बनाने गए थे, पर ये तो उल्टा हमारे ऊपर ही पड़ गया, हम ही हंसी के पात्र बन गए। हाँ देखो, ये है देशमुख का मेरे प्रति चट्टान के सम्मान प्रेम। देशमुख का मेरे ऊपर विश्वास बहुत गहरा है, कोई भी चीज इसे डगमगा नहीं सकती। देशमुख, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ।